गाइस आप जय श्री राम का भक्त हैं तो जरूर आप जय श्री राम कमेंट जरूर करें। दोस्तों अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है जय श्री राम का वीडियो, तो गाइस देख सकते हो ये क्या है, जय श्री राम का झंडा। गाइस गांव घर में ऐसा झंडा सभी लोगों अपने अपने घर में टांगती है, तो गाइस ये देखने में उतना मजा नहीं आता है जैसे कि इस तरीके से जो झंडा को लगा देते हैं। तो फाइनली गाइस इस तरीके से झंडा को लगाकर टांग दिया जाते हैं, तो देखिए गाइस किस तरीके से लग रहा है, उतना मजा नहीं आ रहा है ये झंडा। और गाइस मैंने सोचा है अगर ये झंडा को मोटर में लगाकर देखने वाले, ये प्रोजेक्ट को तैयार करके और अपने घर में लगाकर देखने वाले और कितना मज़ा आता है इस वीडियो में। तो गाइस ये वीडियो को ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर देना और गाइस ये कमेंट में जरूर बोले जय श्री राम, और गाइस बोलिए जय श्री राम। और गाइस चलिए हम वीडियो को हम प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। तो गाइस उसके लिए गाइस ये चीज़ का झंडा का जरूरत पड़ती है, तो गाइस सभी आजकल अपने घर में ये झंडा तो टांगती है, तो गाइस ये झंडा लेना है और उसके बाद देखिए क्या क्या चीज़ लेना सब देखने वाले। फाइनली गाइस पहले आपको ये मोटर का आवश्यकता पड़ता है, जो कि 12 वोल्ट पर चलने के लिए मोटर मेरे पास पहले से ऑलरेडी इस तरीके से मैंने ढांचा तैयार करके बना दिया है। और गाइस देख सकते हो तो किस तरीके से मैंने यहाँ पर ढांचा बनाया है, मतलब ये प्रोजेक्ट के लिए इस तरीके से मैंने पहले से ऑलरेडी बना कर रख दिया ताकि ये वीडियो आपको लंबा नहीं हो सकती है। तो फाइनली गाइस कुछ इस तरीके से आप डिज़ाइन कर सकते हो, गाइस देख सकते हो आप अच्छा से देखें किस तरीके से मैंने डिज़ाइन किया है, आपको कुछ करना नहीं है। यहाँ पर देख सकते हो ये जो पत्ती जो आता है गाइस ये कोई ऐसा कवार से आप बना सकते हो इस तरीके से ढांचा। और उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी पहले से यहाँ पर भी इस तरीके से यहाँ पर बना कर रख दिया है, जो कि मोटर इसमें फिट करने वाले हैं, और आप भी यहाँ पर फिट कर सकते हो, नहीं तो आप बांस में भी या तो कोई जगह पर लगा सकते हो। तो फाइनली गाइस मैंने यहाँ पर इस तरीके से लगाने के लिए मैंने यहाँ पर पहले से सभी ऑलरेडी बना दिया है। तो फाइनली गाइस हमने फटाफट यहाँ पर अच्छी तरीके से जो फिटिंग कर दिया जाते, तो गाइस इस तरीके से मैंने फिटिंग कर दिया जाते और आप भी फिट कर सकते हो इस तरीके से। तो फाइनली गाइस मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पर फंसा दिया है, और उसके बाद देख सकते हो एक रस्सी की सहायता से हमने अच्छे तरीके से बांध दिया जाते। तो फाइनली गाइस देख सकते हो ये रेडी हो गया है, यहाँ पर इस तरीके से खांचा में रखकर और अच्छे तरीके से जोड़ी के सहायता से मैंने बांध दिया है, जो इस तरीके से जो आप भी इस तरीके से बांध सकते हो, अपने हिसाब से चाहते हो तो बांध सकते हो। और गाइस मैंने इसलिए बनाया है ये जो खांचा, हम कई जगह पर रखकर और ये चीज़ को चला सकते हो, अगर आप चाहते हो तो ये मोटर को कई जगह पर बांध सकते हो, मानो यहाँ पर जो बांस है तो बांस में बांध सकते हो, कहीं अपने जगह पर हिसाब से बांध सकते हो, लेकिन हमें वो नहीं करना है, डायरेक्ट मैंने यहाँ पर कुछ जगह पर रखना है और चला देना, इसलिए मैंने इस तरीके से बनाया है ढांचा। अगर आपको भी बनाना तो इस तरीके से बना सकते हो, नहीं तो आप दूसरे जगह से बना सकते हो। तो फाइनली गाइस कुछ इस तरीके से ढांचा तैयार तो कर लिया, और बात है यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर किस तरीके से रखना है ये चीज़ को, जो यहाँ पर देख सकते हो, अगर आप चाहते हो ऐसे रखना, नहीं तो आप चाहते हो ऐसे रखना, तो आपकी मर्जी। तो फाइनली गाइस पहले हम कर देते क्या, जो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर जो पहले से हॉल कर दिया है और इस तरीके से जो डंडा को मैंने फंसा दिया है जय श्री राम का झंडा, तो गाइस इस तरीके से मैंने पहले अच्छे तरीके से फिट कर दिया जाता है। तो फिट करने के लिए मैंने यहाँ पर हॉल तो कर दिया है, और उसके बाद देखिए छोटा छोटा तार जो होता है गाइस, ये तार से अच्छे तरीके से मैंने फुल टाइट किया जाते हैं। तो फाइनली गाइस देखिए मैंने इस तरीके से फुल टाइट कर देते हैं। तो फाइनली गाइस देख सकते हो ये डंडा को मैंने तार के मदद से अच्छे तरीके से फुल टाइट कर दिया है, जो यहाँ पर हिलने के संभावना नहीं हो सकती, इसलिए मैंने फुल टाइट कर दिया है। और गाइस अब बात ही आती है यहाँ पर टेस्टिंग करने के लिए, मतलब गाइस ये तो हो गया इस तरीके से मूव होता है, और गाइस ये प्रोजेक्ट चालू करने के लिए सिर्फ 12 वोल्ट का आवश्यकता पड़ता है, चाहते हो तो लाइन पर नहीं चला सकते हो, बैटरी पर भी चला सकते हो। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पर लिथियम बैटरी को सीरीज में कनेक्शन कर लिया है, जो 3 बैटरी को, तो गाइस ये 12 वोल्ट हो गया, और उसके बाद मैंने यहाँ पर कनेक्शन कर दिया है। तो फाइनली कनेक्शन कुछ नहीं करना है, माइनस को माइनस और प्लस के तार प्लस में हमने ये ज्वाइंट कर देते हैं, और उसके बाद देखने वाले किस तरीके से मूव करता है। तो फाइनली गाइस देखिए ये किस तरीके से मूव हो रहा है, गाइस देख सकते हो इस तरीके से मूव होता है, और गाइस मूव तो होता है, लेकिन हम बात करने वाले यहाँ पर तो झंडा लगाने वाले ना, तो गाइस झंडा लगाकर और उसके बाद देखने वाले चलाकर ये किस तरीके से काम कर रहा है। तो फाइनली गाइस देख सकते हो ये लगाने के लिए मैंने किस तरीके से यहाँ पर जो कर रहा है, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर हॉल दिए जाता है, वहाँ पर हॉल में इस तरीके से फंसा सकते हो। फाइनली गाइस देखिए ये मेरा झंडा बनकर रेडी हो गया, और उसके बाद देखिए मैं इस तरीके से मूव होता है। तो गाइस हम करने वाले यहाँ पर क्या, तो मैंने बैटरी को वायर को अच्छे तरीके से कनेक्शन कर दिया है, और उसके बाद देखते चलाकर। तो फाइनली गाइस ये हमारा प्रोजेक्ट बनकर रेडी हो गया, गाइस कुछ इस तरीके से हमारा ये प्रोजेक्ट हो गया। अब बात आते हैं टेस्टिंग करने के लिए, तो गाइस हम अपने छत पर जाकर देखने वाले यहाँ पर पूरा कनेक्शन करके देखने वाले कितना अच्छा यहाँ पर लुक देता है। और गाइस आपको करना है कॉमेंट बहुत सेक्शन भर देना, जय श्री राम कॉमेंट सेक्शन भर देना पूरा। तो फाइनली गाइस चलिए हम अपने छत पर जाकर देखने वाले इसका टेस्टिंग। तो गाइज आपको ये हमारा प्रोजेक्ट कैसा लगा जरूर कमेंट करें और लाइक कर देना, और गाइज कमेंट में जय श्री राम लिखकर आप भर सकते हो कमेंट में,
और गैज अभी तो गैज आपको पता है जय श्री राम के नाम पर कई तरीके के वीडियो और ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो मैंने भी सोचा इतना अच्छा प्रोजेक्ट बनाकर दिखाने वाले हैं घर पर आसानी तरीके से, इस तरीके से प्रोजेक्ट को बनाकर अपने छत के ऊपर नहीं तो कई जगह पर आप लगा सकते हो ये प्रोजेक्ट को। गैज इतना अच्छा है जो मूव करता है। तो गैज इस तरीके से मैंने बनाना बिल्कुल आसान कर दिया है। तो गैज आप जय श्री राम का भक्त है तो जरूर आप जय श्री राम कॉमेंट जरूर करें।